ठीक है बेटा, हेलो एवरीवन। सो ये आपकी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो पहली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से हमें अपनी क्लास को स्मूथली चलाना है, ठीक है। हम इस नीव की क्लासेस में क्या कर रहे हैं, हम नीव की क्लास में कक्षा 9 का गणित विषय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद करेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो क्या कर रहे हैं बेटा, हम कक्षा 9 में किस विषय को हम पढ़ रहे हैं, गणित विषय को हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें हमने बेसिक टर्म्स को सीखा था। जैसे हमने सीखा उसमें पहाड़े बनाना सीखा था हमने, कि पहाड़े हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम पहाड़े को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था, सम संख्या हमने सीखी कि सम संख्या किसको बोलते हैं और विषम संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कोर्स है ये कौन करा रहा है बेटा आपको, अवंती करा रहा है। अवंती एक संस्था है जो कि एक प्रोग्राम चला रही है नीव नाम से, जिसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, गणित को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो नए बच्चे अगर ज्वाइन हुए हैं, आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं क्लास को, तो उसका समय क्या रहने वाला है। समय आपका रहने वाला है 7 से 8, 1 घंटे की क्लास आपकी होगी, और सप्ताह में 3 दिन ही क्लास होगी आपकी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है। सोमवार को हमने पहली क्लास अटेंड की थी, अभी बुधवार को हम कौन सी क्लास ले रहे हैं, दूसरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है आपकी नोट बुक में, जिससे कि आपको समय से पता चल जाए कि आपकी किस किस दिन क्लास होने वाली है, ठीक है। अभी आगे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जिनको नहीं आता है कि कैसे हमें चैट सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, मैं जल्दी से उसको वापस से बता देता हूं, ठीक है। ये पहली स्क्रीन है आपकी, जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या काम करना है, आपको एक तो माइक को बंद रखना है, ठीक है, और एक आपको क्या करना है, वीडियो को बंद रखना है अपना, ठीक है। ये दोनों चीजें कंपलसरी है आपको क्लास के दौरान आपको बंद ही रखना है, क्योंकि अगर किसी का भी ये ओपन होता है तो क्लास को कंटिन्यू करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप इनको बंद रखेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी अगर डाउट आता है आपका, कोई भी आपका सवाल आता है, या फिर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं, तो आपको चैट सेक्शन में जाना है। चैट सेक्शन में कैसे जाएंगे, चैट बॉक्स में कैसे जाएंगे, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरी स्क्रीन है आपकी, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो जैसे ही ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इन कॉल मैसेज, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, जैसे हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वैसे आपका स्क्रीन पर दिखने लगेगा, आप मैसेज को टाइप कर सकते हैं। अगर यहां तक समझ में आया है तो चैट बॉक्स में जाएंगे और वाई लिखेंगे। यस, यहां तक समझ में आया सबको, अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको चैट सेक्शन का यूज करना आ रहा है कि कैसे हम चैट सेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसके ऑप्शन आपको दिए जाते हैं ABCD, ठीक है। कुछ बच्चों का इसमें डाउट था कि बोल रहे थे हमारे पास पोल नहीं आता है, तो ये पोल कब आता है, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है तब आपके पास क्या करना है, आपको इस एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे ही इस एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे तो आपका तीसरा स्क्रीन यहाँ पर आएगा, क्या ये स्क्रीन आएगा, एक तो पोल वो एक्टिव मैं यहाँ से करूंगा तब आपके पास ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर यहाँ से एक्टिव नहीं होगा तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास क्या आता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है और इसके आंसर आ जाते हैं, ठीक है, आंसर नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आंसर सही है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वोट कर देना है,
और जैसे ही आप वोट करेंगे तो वोट करने के बाद जो आंसर्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, जो भी आंसर्स आप करते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमें पोल सेक्शन में उत्तर देना है और चैट सेक्शन में जाकर अपने सवाल को पूछ लेना है। अगर समझ में आया है तो यस लिखेंगे, वेरी गुड, ओके। चलिए तो थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में किया था, जो कि हमने पहली क्लास में किया था। हमने पहली क्लास में ये सीखा कि पहाड़े हम कैसे बनाते हैं, इवन नंबर हमने सीखा और विषम संख्या हमने सीखी, ओड नंबर हमने सीखे। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या मैंने आपको बताया था कि 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये नंबर्स, मतलब वो सभी नंबर्स, वो सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जो 2 से कट जाती है, उसको हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, या फिर ये वाले जो नंबर है, 5 नंबर आपको दिख रहे हैं, ये सभी नंबर अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाते हैं तो वो भी क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये तो सम संख्या के बारे में था। एक चीज और आप देखेंगे कि हमने देखा था 2 का टेबल, हमने देखा था 2, 4, 6, 8, इस तरीके से टेबल हमने देखा, 10, 12, है ना। तो ये 2 का टेबल कैसे बना था कि 2 एकम 2 ऐसे बना था, 2 दुनी 4, ठीक है, 2 3 6, इस तरीके से टेबल बना था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 2 की गुणा कर रहे हैं किसी भी नंबर में, 2 की गुणा कर रहे हैं किसी भी नंबर में, तो हमारे पास कैसा नंबर आ रहा है? हमारे पास कैसा नंबर आ रहा है? चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर हम 2 की गुणा कर रहे हैं किसी भी नंबर में तो कैसा नंबर आ रहा है? एक सम संख्या आ रही है या फिर विषम संख्या आ रही है? हाँ, चैट सेक्शन में उत्तर। इवन नंबर, यस, गुड इवनिंग। इसको माइक को बंद रखेंगे और क्लास को ध्यान से, ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। उसके बाद हमने ओड नंबर सीखा, मतलब कि विषम संख्या सीखी। विषम संख्या क्या होते हैं? जो 2 से नहीं कटते हैं, 2 से विभाजित नहीं होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये नंबर अगर आते हैं तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? विषम संख्या होती है, मतलब ओड संख्या होती है, ओड नंबर होते हैं। और ये अगर लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आ रहे हैं तो क्या होगा? वो भी हमारे पास क्या होगा? एक विषम संख्या होगी, ठीक है, ओड संख्या होगी, ठीक है। तो ये तो हमने पहली क्लास में सीखा, ठीक है। अभी हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे सीखते हैं कि ये हमारे पास क्या था? पहाड़ों का आधार। हमने पहली वाली क्लास में भी देखा पहाड़ों का आधार, हम पहाड़े कैसे बना रहे हैं कि 2 एकम 2, 2 को अगर एक बार जोड़ते हैं तो हमारे पास टेबल बन जाता है, पहाड़ा बन जाता है। 2 दुनी 4, 2 को 2 बार जोड़ेंगे पहाड़ा बन जाएगा। 2 3 6, 2 को 3 बार जोड़ेंगे पहाड़ा बन जाएगा। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, हम किसी भी नंबर में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास कैसा नंबर आ रहा है? एक सम संख्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से अगर हम 5 के टेबल की बात करें, 5 के पहाड़े की बात करें, तो 5 एकम 5, 5 को अगर एक बार जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है, है ना। उसके बाद 5 दुनी 10, 5 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 10 आता है। 5 3 15, 5 को 3 बार जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक ही संख्या को हम बार बार ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वो टेबल बन जा रहा है, वो टेबल हमारे पास बन जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को कि टेबल कैसे बन रहा है, पहाड़ा कैसे बना रहे हैं हम संख्या को बार बार जोड़कर? वेरी गुड। चलिए अभी देखो, इससे हमारे पास एक नोट निकल कर आता है, मतलब कि एक नोट है जो हम सीखेंगे, क्या एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं, ठीक है। अगर एक ही संख्या को अगर हम बार बार जोड़ रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? गुणन बोलेंगे। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुणन, ठीक है, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो यहां पर हमारे पास क्या दिख रहा है कि मैंने 3 को बार बार जोड़ा है। अभी मेरे को आप बताइए, मैं 3 को कितनी बार जोड़ रहा हूं? यहां पर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बार मैं जोड़ रहा हूं 3 को। अभी मैं 7 को 3 बार जोड़ रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 3 की मैं गुणा कर रहा हूं 7 में,
वेरी गुड, मल्टीप्लाई 7, तो इसका आंसर कितना आएगा, दोनों का आंसर क्या होगा, 21 होगा, दोनों का आंसर बराबर। इसका जोड़ने के बाद भी 21 आएगा और इसको गुणा करने के बाद भी कितना आएगा, 21 आएगा। चलिए इसी को हम देख लेते हैं। हमें देखा है क्या, देखा है कि 5 को अगर मैं 3 बार जोड़ूंगा या 5 को मैं 3 बार 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुणा करना बराबर है, ठीक है। दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, बराबर आता है, सेम आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि 7 को अगर मैं कितनी बार जोड़ूं, 7 को अगर मैं 6 बार जोड़ता हूं या 7 को मैं 6 से गुणा करता हूं तो दोनों का आंसर कितना आएगा, दोनों का आंसर कितना आएगा, यस चैट बॉक्स में बताएंगे आंसर कितना आएगा, 42। तो इसका आंसर आता है 42, मतलब दोनों का आंसर बराबर आएगा। इसको जोड़ने के बाद भी 42 आएगा और इसको गुणा करने के बाद भी 42 आएगा, मतलब दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, यस चैट बॉक्स में लिखेंगे। यहां तक समझ में आया सभी को, ओके चलिए। अभी यहां तक समझ में आ गया है तो यहां पर टेबल लिखा हुआ है, पहाड़े लिखे हुए हैं, तो ये पहाड़े एक एकम एक, एक दुनी दो, ये हमने देखा है। यहां पर अगर हम बात करें तीन एकम तीन, हम लिख सकते हैं तीन दुनी छह, यहां पर लिख सकते हैं तीन दुनी छह का क्या मतलब है, अच्छा मेरे को आप बताएंगे तीन दुनी छह का क्या मतलब है। तीन दुनी छह का मतलब है कि तीन को कितनी, तीन को दो बार जोड़ना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि तीन को गुणा करना है छह से, तो तीन को छह से गुणा करने का क्या मतलब है, तीन छिंग 18 होता है। तीन को छह से गुणा का मतलब है कि तीन को आपको ऐड करना है, कितनी बार ऐड करना है, छह बार आपको ऐड करना है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई आपको कि टेबल आपको आ गया है किस तरीके से हम बनाते हैं। उसी तरीके से हम फोर के टेबल की बात करेंगे कि 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है। तो 4 4 16, 4 4 16 का क्या मतलब होगा कि 4 को आपको ऐड करना है 4 टाइम्स, 4 बार ऐड, 4 बार ऐड करना है। चलिए तो ये तो था पहाड़ा की पहाड़ तरीके से बनाने वाले हैं 1 से लेकर 5 तक। चलिए तो ये सभी थे पहाड़े हमारे पास, 1 से 5 तक पहाड़े, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके अभ्यास पर, ठीक है। अभी आप चैट सेक्शन में जाएंगे और मेरे को एक एक करके आंसर देंगे, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 × 6, 3 × 6 क्या आंसर होगा, चैट बॉक्स में देंगे। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए, यस। 3 × 6 का मतलब है 3 × 18। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 3 को हम 6 बार जोड़ दे, 3 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 6 बार जोड़ेंगे तो हम 18 आ जाए। उसी तरीके से अभी सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 × 8, चैट सेक्शन में जाकर आंसर बताएंगे। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं सबके, तो 4 × 8 = 32, यस। तो आंसर क्या होगा, 4 × 8 = 32 और पहले वाले का आंसर क्या था, 18। चलिए अभी हम थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 2 × 7, तो 2 × 7 मतलब कि 14, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 14 इसका आंसर होगा। तो इसका क्या मतलब है, 2 × 7, 2 × 7 का मतलब है कि 2 को आपको कितनी बार जोड़ना है, 2 को आपको 7 बार जोड़ना है ना। 2 को आप कितनी बार जोड़ेंगे, 7 बार जोड़ेंगे, तब आपका कितना आएगा, 14 आएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 × 4, मतलब फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कितना आंसर आएगा, 4 × 4, 4 × 4 कितना होगा, 16 होगा। वेरी गुड, जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आंसर आ रहा है। तो 4 × 4 मतलब है कि 4 को आपको कितनी बार जोड़ना है, 4 को आप जोड़ेंगे 4 बार, ठीक है, तब आपका आंसर आता है 16। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जल्दी से इसका आंसर देंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आंसर। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, तो सबके आंसर सही भी हैं, 45। वेरी गुड, तो इसका आंसर कितना होगा, 45, ठीक है।
पांच गुणा नौ का मतलब है कि पांच को आप नौ बार जोड़ेंगे तब आपका आंसर जो आता है वो आता है 45, 45 आपका आंसर आता है। ठीक है, तो पांच को अगर आप नौ बार जोड़ देते हैं तब आपका आंसर आता है 45। ठीक है, चलिए तो यहां तक सभी को समझ में आया। यहां तो कोई प्रॉब्लम अगर तो चैट सेक्शन में जाएंगे और नो टाइप करेंगे। यस देवेंद्र, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अगर किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्या आएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में जाकर करना है। कहाँ पर करेंगे आप इसका आंसर जाकर, कहाँ पर करेंगे आंसर जाकर, पोल में जाकर आप आंसर करेंगे। मैं आपका चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूँ, चैट सेक्शन में आपको आंसर नहीं करना है, आप इसका आंसर पोल में करेंगे, पोल में इसका आंसर करेंगे आप। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, सबको आंसर करना है, सबको आंसर करना है, जो भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं सभी को आंसर करना है। ठीक है, सभी को आंसर करना है, अभी तक मेरे पास फोर ही आंसर आए हैं। आगे क्लास को नहीं चलाएंगे तब तक जब तक आपके आंसर नहीं आएंगे। सभी को आंसर करना है और सोच समझकर आंसर देना है बेटा, सोच समझकर आंसर देना है। ठीक है, मैं अभी पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूँ, 10 सेकंड में मैं पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूँ, उसके बाद आप आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। ठीक है, अभी 5 सेकंड के बाद मैं बंद कर रहा हूँ पोल, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है और जिसके पास भी पोल नहीं आया था या पोल में जो आंसर नहीं दे पाया है वो अपने चैट सेक्शन में जाएंगे और चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, चैट सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर सही थे इस क्वेश्चन पर, लेकिन एक बच्चे का आंसर यहाँ पर गलत था। ठीक है, तो एक बच्चे का वो आंसर क्यों गलत था मेरे समझ में नहीं आया है। देखो मैंने आपको बताया है पहली क्लास में कि एक से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही नंबर आता है। ठीक है, वो ही नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक की अगर हम गुणा करते हैं 1278 में तो कितना आएगा, 1278 आएगा, 1278 आएगा। देवेंद्र, देवेंद्र अगर कोई भी प्रॉब्लम है ये बातें नहीं करना है चैट बॉक्स में, कुछ भी नहीं लिखना है फालतू में। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, सिर्फ जो भी आपसे बोला जाता है या कोई भी अगर डाउट होता है तब आप यूज करेंगे, बातें नहीं करेंगे चैट सेक्शन में, कोई बातें नहीं करेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बोला कि आप यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जहाज की, तो कितना आएगा, जहाज ही आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो जिससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 की वही आएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना दिया हुआ है, 1278 दिया है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1278 होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1278। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो चलो ठीक है, जिसका आंसर गलत हो गया था, मैं एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का भी आंसर आप कहां पर करेंगे जाकर, पोल सेक्शन में आपको करना है। ठीक है, चैट सेक्शन में कोई भी नहीं करेगा, चैट सेक्शन में आपका बंद कर दे रहा हूं, चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में जाकर आप इसका आंसर देंगे। यस, पोल सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। सुमन और रोहित ने हैंड रेज किया हुआ है, क्या
क्या आपका कोई डाउट है सुमन और रोहित नाम से जो बच्चे ज्वाइन हुए क्लास में? अगर कोई भी डाउट है तो अपने आपको अनम्यूट करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। सर जी कहाँ आंसर देना है? आपके पास देखो पोल आ रहा होगा, पोल का सेक्शन, ये थ्री डॉटेड लाइन आ रहा है। ये थ्री डॉटेड लाइन पर आप क्लिक करेंगे, ये थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, वहां पर क्लिक करना है। सर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी का आपको एक दिख रहा होगा सिंबल, एक्टिविटी का सिंबल आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं वहां पर, इन कॉल मैसेज, लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा एक्टिविटी। नहीं आ रहा सर। ठीक है, लास्ट तो आप में लिखा है एक्टिविटीज। बेटा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, आपका नहीं आ रहा है एक्टिव ये पोल वाला, तो आप एक काम करेंगे, मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, आप वहां पर जाएंगे और फिर आंसर करेंगे। ओके सर। ठीक है, अभी अपने आप को म्यूट कर देंगे। चलिए बाकी सभी बच्चे भी पोल में जाकर उत्तर देंगे। अभी सिर्फ 5 बच्चों का मेरे पास उत्तर आया है, सभी बच्चे उत्तर देंगे पोल सेक्शन में जाके। पोल सेक्शन में जाएंगे और सभी बच्चों को उत्तर देना है। ठीक है, आप उत्तर नहीं देंगे तो ये क्लास थोड़ा सा लेट शुरू होता है फिर, मतलब लेट हो जाता है काफी। तो सभी को आप क्या करना है, उत्तर देना है, सभी बच्चों को उत्तर देना है। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद करने वाला हूं, उसके बाद पोल सेक्शन में कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैंने अभी पोल सेक्शन बंद कर दिया है, और जिसके बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जाकर अपना उत्तर दे सकता है, चैट सेक्शन में जाकर अपना उत्तर दे सकता है। आंसर सी, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है, मल्टीप्लाइंग 2 बाय एनी नंबर ऑलवेज गिव्स डैश नंबर। ठीक है, अभी मैंने इसी क्लास में आपको बताया था कि 2 से अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक इवन नंबर ही आता है। अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर करें, 2 की गुणा अगर आप 15 में करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 एक क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, आप 2 की गुणा किसी भी नंबर में अगर करेंगे, मैंने 13 से करा तो कितना आएगा, 13 × 26, तो ये कैसा नंबर आ रहा है, ये एक सम संख्या आ रही है। ठीक है, सम संख्या आ रही है, ये समझ में आया सबको, ये एक सम संख्या है। तो यहां पर उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, मतलब सम संख्या इवन नंबर। मैंने बोला है कि जिसके भी लास्ट में 0, जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 4, 6 और 8 आ जाता है वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, तो ये उत्तर होगा आपका क्या, सम संख्या, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, वेरी गुड। चलिए तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहां पर हम एक और पहाड़ा देखेंगे, लेकिन अब की बार हम पहाड़ा देख रहे हैं किसका, 0 का। ठीक है, पहाड़ा देख रहे हैं किसका, 0 का। तो 0 कम 0 मतलब 0 को अगर एक बार ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, 0 × 0, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 0 होगा। मतलब 0 को अगर 2 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 × 0 मतलब 0 को अगर आप 3 बार ऐड करेंगे तब भी आपका कितना आंसर आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसी तरीके से अगर आप 0 की गुणा 7 में करेंगे तो 0 आएगा, मतलब 0 को अगर आप 7 बार जोड़ते हैं तो आपका क्या आंसर आने वाला है, अगर 0 को 7 बार जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। मतलब हम कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं ना, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा, वेरी गुड। तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि 0 को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास 0 का टेबल बनता जाता है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं एक नोट पर, इसी से रिलेटेड हम इस नोट को पढ़ेंगे। ये नोट क्या है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि आप जीरो की गुणा किसी भी नंबर में अगर करते हैं, किसी भी संख्या में अगर आप करते हैं, तो आपका उत्तर हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो की गुणा अगर ए में किया तो जीरो, जहां ए कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो की गुणा अगर आप किसी भी संख्या में करते हैं, कुछ किसी से भी अगर आप जीरो की गुणा करेंगे, किसी भी नंबर से, तो आपका जो उत्तर आने वाला है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इवन आप किसी भी वस्तु से, अगर कोई भी वस्तु आप ले लें और उसमें आप जीरो की गुणा कर दें, तो आपके पास क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ये चीजें क्लियर हैं, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आप उत्तर चैट बॉक्स में देंगे। मैंने लिखा यहां पर मैंने यहां पर लिखा रमन, रमन गुना जीरो, क्या उत्तर आने वाला है? जीरो। वेरी गुड, क्या उत्तर आने वाला है, जीरो उत्तर आने वाला है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु से अगर किसी भी संख्या से हम जीरो की गुणा करते हैं, तो उत्तर आपका कितना आता है, जीरो आता है। चलिए अभी हम अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी टॉपिक की। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जीरो की गुणा अगर आप 6 में करते हैं, किसमें करते हैं, जीरो की गुणा अगर आप 6 में करते हैं, आपका जो उत्तर है वो कितना आएगा, चैट बॉक्स में देंगे। जीरो की गुणा अगर 6 में करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, ये सुमन के नाम से जो ज्वाइन हुआ है उसने 6 लिखा है, बेटा जीरो है, जीरो। जीरो से अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो जीरो आता है। ठीक है, क्या आता है, जीरो आता है, तो याद रखना है ये आपको। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे, जीरो की गुणा आप 6 में कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जीरो को आप 6 बार जोड़ रहे हैं, तो जीरो को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि जीरो की गुणा अगर आप 18 में करेंगे, जीरो की गुणा अगर आप 18 में करते हैं, तो आपका उत्तर कितना आने वाला है। हाँ, चैट सेक्शन में उत्तर देंगे, कितना उत्तर आने वाला है, तो जीरो आने वाला है। मतलब कि जीरो की गुणा आप किसी में भी करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, जीरो गुणा 18, मतलब जीरो को आप 18 बार जोड़ते हैं, तब आपका उत्तर कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अभी थर्ड वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि 700 की गुणा अगर आप जीरो में करेंगे, बताइए 700 की गुणा अगर जीरो में करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, जीरो आएगा। वेरी गुड, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये सभी हमने देखा यहां पर। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट। चलिए, जीरो के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं जीरो के बारे में। क्या लिखा हुआ है, बूझो तो जाने, क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड, उत्तर आने लगे हैं। जीरो की खोज किसने की थी, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर व्यक्ति, इन्होंने जीरो की खोज की थी, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, तो अभी आपको सबको पता चल गया है कि जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट, जो कि हमारे कहाँ के हैं, भारतीय हैं, जो कि भारतीय हैं जिन्होंने जीरो की खोज की थी, आर्यभट्ट ने। अभी याद रहेगा सबको कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। चलिए अभी नेक्स्ट, दूसरा हम आ जाते हैं फिर से, बूझो तो जाने। मोबाइल सब चलाते हैं, सबके पास मोबाइल है, तो यहां पर एक मोबाइल ये आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करके क्या संख्या आएगी। तो यहां पर आपको संख्या दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सारे नंबर की आप गुणा करें एक साथ, 1 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 और 10, 0।
ठीक है, तो आपका क्या उत्तर आने वाला है? अगर हम एक साथ सभी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबकी संख्या की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका उत्तर आने वाला है 0। वेरी गुड, सबका चैट बॉक्स में उत्तर पहले ही आ गया था, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई या किसी भी वस्तु की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो आपका उत्तर आने वाला है क्या? 0। यस, चलिए ये चीजें अगर सबको क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। तो सबका वाई आ रहा है चैट सेक्शन में, तो इसका मतलब सबको यहां तक समझ में आया है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 0 आया। चलिए देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने में आपको भी मजा आएगा, है ना, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को और ध्यान से इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है। ठीक है, ये आपको एक रेक्टेंगल या फिर आप कह सकते हैं आयत या वर्ग आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं और कुछ है ना ABCD दिया हुआ है ना, इंग्लिश अल्फाबेट दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मैं देखो एक करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो पहली जो रो है यहाँ पर आपको उत्तर करके दिखाया गया है कि 2 की गुणा अगर आप 2 में करते हैं तो कितना आंसर आता है, बताइए जल्दी से यहाँ पर कितना आंसर आएगा 2 की गुणा करने पर? वेरी गुड, तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो कितनी आई है? 4 आई है, तो सबका आंसर 4 आया है। वेरी गुड, तो मतलब ए का मान कितना होगा? 4 होगा। ए का मान कितना होगा? 4 होगा। अभी फिर से बताएगी बी की वैल्यू क्या होगी, बी का मान क्या होगा? अगर आप 4 की गुणा 4 में करते हैं तो बी का मान आएगा, 4 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो बी का मान आएगा, और बी का मान कितना आया? 16। वेरी गुड, ठीक है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन अभी जो सेकंड रो है वो आपको खुद से करना है ना, खुद से करके आप ये चैट सेक्शन में ये फालतू की बातें नहीं लिखेंगे कोई भी। मैंने बोला है मैं क्लास से बाहर निकालूंगा इन बच्चों को, ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो आपकी कंप्लेंट भी जाएगी आपके स्कूल में, ऐसा नहीं करना है बेटा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अभी देखो सेकंड रो आप देखेंगे यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो आपको सी का मान ज्ञात करना है ना, यहाँ पर गुणा 5, तो यहाँ पर आप किससे गुणा करेंगे जिससे कि आपके पास 5 आएगा, आप किस संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि 5 आएगा? वेरी गुड, चैट सेक्शन में आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर दूं, 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 अगर करते हैं तो हमारा तो आंसर 15 आ रहा है, लेकिन हमें तो आंसर लिखाना है 5। वेरी गुड, तो हम 3 से तो गुणा नहीं कर सकते, तो किससे गुणा करेंगे हम? वेरी गुड, 1 से हम गुणा करेंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर हम 1 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आती। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आएगा, मतलब सी का जो मान है वो कितना आया? सी का मान आया हमारे पास 1। ठीक है, ओके, तो अभी आप बताएंगे डी का मान क्या आएगा, चैट सेक्शन में बताएंगे डी का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है कि 5 की गुणा करनी है आपको 8 में, और 50 किसने लिखा है, ये 50 तो नहीं होगा बेटा, किसी का माइक ऑन हो गया है, मिथुन माइक को बंद करेंगे। ओके, तो अभी 5 की गुणा 8 में अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 40। तो डी का जो मान है वो कितना आया है? 40। ठीक है, तो यहाँ पर डी का मान भी आ गया। अभी वापस से आ जाते हैं, क्या हम इसको यहां से स्टार्ट करें, क्या हम इसको यहां से स्टार्ट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ अल्फाबेट दिए हुए हैं, है ना, तो हम इसको यहां से स्टार्ट ना कर हम कहां से स्टार्ट करते हैं? लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप मेरे को बताएंगे इस बॉक्स में हम क्या नंबर रखें कि जिससे गुणा करने पर हमारा जो आंसर है वो 9 आ जाए, बताइए। 3 में हम क्या गुणा करेंगे? वेरी गुड, 3 में हम क्या गुणा करेंगे कि हमारा जो उत्तर है वो 9 आ जाए। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कैसे आपको ये सोल्व करना है।
तो 3 से हम गुणा करेंगे तब हमारे पास 9 आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अभी हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि 3 में हम किससे गुणा करेंगे, बताइए 3 में किससे गुणा करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 3 में गुणा करने पर हमारे पास आ जाए 3, किससे गुणा करेंगे, यस सबका आंसर आ गया है, हम 1 से गुणा करेंगे तभी हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि हमने सीखा है किसी भी नंबर को अगर 1 से गुणा करते हैं 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई डाउट है इसमें, वेरी गुड। तो ई का मान हमारा कितना आया था, ई का मान हमारा आया है 1 और एफ का जो मान है वो आया है 3, तो सभी अल्फाबेट के मान हमने निकाल लिए हैं, सबकी वैल्यू हमने निकाल ली। चलिए, तो ये आंसर हमारे आए थे 4, 16, 1, 40, 1, 3। ठीक है, अभी दूसरा हम देखते हैं फिर से एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप जल्दी जल्दी से आंसर देंगे, बताएंगे 1 की गुणा अगर 2 में करते हैं तो आंसर कितना आने वाला है चैट सेक्शन में, वेरी गुड सबके आंसर आ रहे हैं, तो 2 यहां पर आएगा, उसके बाद मतलब 1 की जो मान है वो कितना आया, 2 आया। अभी हम 2 की गुणा अगर 4 में करेंगे तो 2 की गुणा अगर 4 में करते तो 8 आएगा। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, 2 को अगर आप 4 बार जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो बी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अभी इसको आपको बताना है, बताइए हम किससे गुणा करें, इस बॉक्स में हम किस नंबर को रखें कि गुणा करने पर हमारा आंसर 25 आ जाए, वेरी गुड सबके आंसर आ रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे, देखो 1 अगर हम रखते हैं तो 1 को रखने पर तो 5 आ रहा है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, हमको 5 रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो 5 यहां पर रखना पड़ेगा, मतलब सी का जो मान है वो कितना है, 5 है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 5। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इस वाले डी वाले की वैल्यू क्या होगी, डी का मान क्या होगा 25 की अगर गुणा करेंगे 1 में, वेरी गुड। तो ये तो हमने देखा है अभी अभी पिछली वाली स्लाइड में भी देखा था कि 1 की अगर हम किसी में नंबर से गुणा करते हैं तो कितना आता है, वही नंबर आता है, मतलब 25 आएगा, तो डी का मान कितना आया, 25 आया। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड रो मतलब लास्ट की, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर नंबर दिया हुआ है तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहां हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाए, 12 आ जाए, वेरी गुड सबके आंसर आ गए हैं, तो मतलब हम क्या रखेंगे, यहां पर 4 रखेंगे, जिससे कि हमारा कितना आएगा, 12 आएगा, 4 × 12। ठीक है, अभी लास्ट बताएंगे जो ई का जो मान है वो हमारे पास 12 आ गया है, एक नंबर बचा है एफ, एक अल्फाबेट बचा है एफ, उसका मान आपको निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, 12 की गुणा करेंगे 0 में, और आपको पता है कि 12 की गुणा अगर 0 में करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या की गुणा करने पर 0 आता है, तो ये क्या होगा, 0, तो ये भी आंसर हमारे पास आ गया, मतलब एफ का मान हमारे पास आ गया कितना, 0। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, तो ये आंसर हमारे पास आए थे 2, 8, 5, 25, 4, 0। ठीक है, अभी आगे हम आ जाते हैं, तो ये हमने प्रैक्टिस किया, ठीक है, कि किस तरीके से हम गुणा का यूज कर सकते हैं, 1 की गुणा करने पर क्या आता है और 0 की गुणा करने पर क्या आता है। चलिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब यही आपके पास है, जल्दी जल्दी इसके आंसर आपको करने हैं, जल्दी से बताएंगे कि ए के प्लेस पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जिससे कि हमारे पास कितना आ जाए, 10 आ जाए, वेरी गुड सबका आंसर आ गया है, कि मतलब हम 5 से गुणा करेंगे तब हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, तो मतलब ए का जो मान है वो कितना है, 5। अभी 10 की गुणा अगर आप 0 में करेंगे तो, यस 10 की गुणा अगर 0 में करते हैं तो 0, तो बी का जो मान है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो अभी हमने 2 इस तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, क्या होगा,
इसके जगह पर हम क्या रखेंगे जिससे कि गुणा करने पर हमारे पास कितना आ जाए, 21 आ जाए, 21 आ जाए। तो कितना आ रहा है, तीन से गुणा करने पर आ रहा है ना, तो तीन सत्ते 21, तो मतलब सी का जो मान है वो कितना आया है, 7 आया है। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम 21 की गुणा, 21 की गुणा अगर एक में करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 21 ही आएगा, क्योंकि एक से हम गुणा कर रहे हैं। तो डी का जो मान होगा वो कितना होगा, 21 होगा। अभी यहां पर आप बताएंगे कि यहां हम किससे गुणा करें, किससे गुणा करें कि आपका जो आंसर है वो 24 आ जाए। यस, चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। तो हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तब आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब ए का, ई का जो मान है वो कितना है, 4। अभी यहां पर बताएंगे एफ, वेरी गुड, करने से पहले ही सबके आंसर आ गए। मतलब 24 के गुणा अगर 4 में, 0 में करते हैं, 24 के गुणा 0 में करते हैं तो कितना आता है, 24 नहीं, कितना आएगा, सॉरी ये आएगा 0, तो ये आएगा कितना, 0। तो एफ का जो मान है वो कितना आया, 0। गुड, चलिए, तो अभी हमने ये प्रैक्टिस किया, अभी हम आगे देख लेते हैं। तो ये सभी आंसर हमारे पास थे। अभी हम बात करते हैं पहाड़े की, कि हमने जो लास्ट क्लास में जो पहाड़े देखे थे वो 1 से लेकर 5 तक देखे थे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 से लेकर कहाँ तक 10 तक पहाड़े हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 6 से लेकर 10 तक पहाड़े आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे हम बना रहे थे ये आपको पता है कि 6 एकम 6, 6 दुनी 12, ठीक है। 6 दुनी 12 मतलब 6 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तब हमारे पास 12 आएगा। तो इस तरीके से 6 का पहाड़ा आपको बना लेना है। वैसे ही हम 7 का बनाएंगे, 7 एकम 7, ठीक है, 7 दुनी 14, 7 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तब हमारे पास 14 आता है, ठीक है। उसके बाद 8 का भी ऐसे ही आपको बनाना है, 8 एकम 8, 8 दुनी 16, ठीक है, 8 को अगर आप 2 बार जोड़ेंगे तब आपके पास 16 आएगा। उसी तरीके से 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 9 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 18 आएगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, 9 6 54, 9 को कितनी बार जोड़ेंगे, 9 को 6 बार जोड़ेंगे तब आपका कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है, 54 आएगा। तो इस तरीके से आप 10 का भी कर सकते हैं, ठीक है, 10 एकम 10, 10 दुनी 20, 10 दिया 30, 10 को 3 बार जोड़ेंगे तब हमारे पास 30 आएगा। एक चीज आप यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि जब हम 10 की गुणा कर रहे हैं तो आपको बस एक 0 लगा देना है ना, सबके आगे क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। जैसे 9 में गुणा कर रहे हैं तो 9 के इकाई अंक पर आपको 0 कर देना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, 6 से लेकर 10 तक के पहाड़े, जो कि इस तरीके से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको टेबल लर्न नहीं है, है ना, बाकी आप ये टेबल बना सकते हैं खुद से। चलिए, तो बाकी अभी आगे आ जाते हैं, अभी फिर से हम प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस क्या, जो कि हमने पहाड़े अभी देखे थे कि 7 की गुणा अगर 3 में कर रहे हैं तो आंसर कितना आने वाला है। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। तो 7 या 21, मतलब 7 को अगर 3 बार जोड़ेंगे तब आपके पास कितना आएगा, 21 आएगा। वेरी गुड, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 8 की गुणा करेंगे आप 6 में। हाँ, सबके आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। तो 6 8 48, मतलब 8 को अगर आप 6 बार जोड़ रहे हैं, 8 को अगर आप 6 बार जोड़ रहे हैं तब आपके पास क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें कि 6 की गुणा अगर आप 8 में करते हैं तब आपका आंसर कितना आ रहा है, फिर से आपका कितना आएगा, 6 8 48, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, 6 को आपको कितनी बार जोड़ना है, 8 बार जोड़ना है। 6 को आप कितनी बार जोड़ेंगे, 8 बार जोड़ेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज आप देखेंगे कि दोनों सेम ही नंबर है, बस उसका है ना क्रम चेंज किया है, ऑर्डर चेंज किया है। मतलब यहाँ पर 8 गुणा 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 गुणा 8, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया है, उसके क्रम को चेंज किया है, लेकिन आंसर चेंज नहीं हुआ है। दोनों का आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ है 7 गुणा 3 या 3 गुणा 7, तो दोनों का आंसर क्या होगा,
सेम होगा। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नोनिम 81। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं। नोनिम 81 मतलब 9 को आप 9 बार जोड़ेंगे तब आपके पास कितना आएगा? 81 आएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है? 21 नहीं आएगा बेटा, 21 आपने दिया, 21 नहीं होगा। अच्छा, इसका आंसर तो 21 है, वेरी गुड, इसका आंसर 21 है, लेकिन आपको लास्ट क्वेश्चन बताना है, पांचवा क्वेश्चन बताना है, 7 7 49। वेरी गुड, तो इसका आंसर कितना होगा? 49 होगा, 49 होगा। अगर यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई। और जिसको समझ में नहीं आया है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे नो। यस, तो सबको समझ में आ रहा है, सबके चैट बॉक्स में वाई आ गए हैं लिखे हुए। चलिए अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अभी आपके ना स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। और आपको पता है कहां पर आप आंसर करेंगे? कहां पर करेंगे आंसर? पोल सेक्शन में जाकर आप आंसर करेंगे। वेरी गुड, तो पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे, चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, आपको पोल सेक्शन में जाना है और उसका आंसर कर देना है। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। आंसर आने लगा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सही सही क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करें। 8 गुणा 6 बराबर क्या? तो जिसको 8 का टेबल आता है, 8 का पहाड़ा आता है, वो आसानी से आंसर कर सकता है। लेकिन अभी भी मेरे पास सिर्फ पोल में 2 ही आंसर 3 ही आंसर आए हैं। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, आगे क्लास को नहीं करेंगे तब तक आपके आंसर नहीं आएंगे, है ना? तो आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, पोल सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर करना है सबको, सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, अभी आपके पास 5 सेकंड है, मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगा। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। और जिसके पास पोल नहीं आया था, जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है, चैट सेक्शन में जाकर आंसर कर सकता है। वेरी गुड, तो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सही विकल्प का चयन करें, 8 गुणा 6। तो अभी हमने पीछे ही देखा 8 गुणा 6 कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, या तो आप 8 गुणा 6 करें, 8 6 48, या फिर 8 को आप कितनी बार जोड़ेंगे? 6 बार जोड़ेंगे, तब जाकर आपका आंसर कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आंसर होगा? 48 होगा। चलिए अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं। फिर से हमारे पास ये आया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर से हम अभ्यास करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे, बताइए क्या आंसर होगा? 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10। वेरी गुड, 10 आंसर, मतलब ए का जो मान है वो कितना आया? 10। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, 10 की गुणा 4 में करेंगे तो चैट सेक्शन में जाकर आंसर कर देना है आपको। डाउट है किसी का? देवेंद्र, अगर डाउट है तो म्यूट कर, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और पूछ सकते हैं। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं, 40 यहाँ पर आंसर आया, मतलब कि बी का जो आंसर है वो कितना? हाँ, क्या हुआ बेटा? सर आपने इवन और ओड नंबर नहीं लिए। बेटा इवन और ओड नंबर हमने स्टार्टिंग में ही लिया था, आपने लेट क्लास को ज्वाइन किया है ना? तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, डाउट जो भी होगा हम उसको क्लियर करेंगे। हाँ, चलिए अभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे और इनके आंसर आपको करना है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर सी का मान आपको बताना है, सी का मान आपको बताना है। तो किससे गुणा करेंगे आप, जिससे कि आपका 10 आ जाए? वेरी गुड, 2 से आप गुणा करेंगे
तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो सी का मान कितना आया, 2। अभी 10 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे चैट सेक्शन में कितना आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सबका कितना आंसर आ रहा है, 80 आंसर आ रहा है। तो डी का जो आंसर है वो कितना है, 80। ठीक है, अभी लास्ट इसमें आ जाते हैं हमारे पास, वापस से यहाँ पर हम किससे स्टार्ट करेंगे, इस लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे हम, है ना, कि हम 3 में किससे गुणा करें, बताइए 3 में हम किससे गुणा करेंगे कि हमारे पास कितना आ जाए, 27 आ जाए। वेरी गुड, 9 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 27 आता है। तो यहाँ पर f का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको किसका मान ज्ञात करना है, e का मान ज्ञात करना है, तो किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, कैट सेक्शन में बोलेंगे सभी, यस 3 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। तो मतलब e का जो मान है वो कितना आया, 3 आ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली स्लाइड में भी किया था, अभी भी यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, ये सभी आंसर हमारे पास आए। चलिए अभी हम आ जाते हैं 11 के पहाड़े पर। ठीक है, कौन सा पहाड़ा देखेंगे हम, 11 का पहाड़ा देखेंगे। 11 का पहाड़ा हम कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, कि 11 कम 11, 11 का पहाड़ा लिखना बहुत आसान है ना, लेकिन हमको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना है इसको। ये 11 कम 11, 11 दुनी 22, 11 को दो बार जोड़ेंगे तब हमारे पास 22 आएगा, 11 या 33, 11 को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं तब हमारे पास 33 आएगा। ठीक है, दूसरा हम ये इसी तरीके से आपको ऐड करते रहना है ना। दूसरा तरीका क्या है कि 11 में अगर हम 11 को जोड़ देंगे तब 22 आएगा, है ना। अलग जो अगला है, जो नेक्स्ट है, वो क्या आ जाएगा, टेबल आपके पास आ जाएगा। फिर से अगर हम 11 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा, फिर से 11 को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर टेबल को आपको बनाना है तो आपको 11 11 को जोड़ते जाना है, इस तरीके से आपका टेबल बनता जाएगा। ठीक है, और दूसरा 11 का टेबल को लिखना कैसे आसान है, 11 का टेबल लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको संख्या लिखना है। एक देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिखना है। फिर से आप स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 11 धाम आपको तो पता ही है कि 11 की अगर 10 में गुणा करेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको कि 11 का पहाड़ा आपको कैसे बनाना है। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे यस लिखेंगे, और क्लास खत्म होने से पहले कोई भी बच्चे क्लास को लीव नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो अभी देखो 11 का पहाड़ा हमने देखा कि कैसे बनाया, अभी हम देखेंगे कि पहाड़ा बनाने का तरीका, पहाड़ा बनाने का तरीका कि कैसे पहाड़े को बनाते हैं। देखो ये तो आपको आता ही है, क्या आता है कि 12 को अगर दो बार जोड़ देते हैं तो 24 आ जाता है ना। 12 के पहाड़े की अगर हम बात करें, 12 कम 12, और 12 दूनी 24, या तो आप दो बार जोड़ेंगे या फिर आप क्या करेंगे, 12 की गुणा करेंगे 2 में, तब जाकर आपका 24 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पहाड़े कैसे बनाने ये आपको सीखना है। तो आपको इस तरीके से पहाड़े बनाने हैं, कैसे बनाने, कि 12 को हमें दो नंबर्स में डिवाइड करना है, दो संख्याओं में डिवाइड करना है। एक तो 10 में तो जरूर डिवाइड करना है, तो एक तो हमने किया 10 में डिवाइड और प्लस 2, है ना। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो संख्या आपको 10 बनाना है और दूसरा संख्या जो भी यहां पर होगी वो संख्या आप बना सकते हैं, है ना। तो 10 प्लस 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये आप कहां पर यूज करेंगे, पहले हम इसको सीख लेते हैं कि कैसे ये 24 आया। तो यहां पर क्या करना है, अभी आपको यहां पर आप क्या करना है, गुणा करना है आपको। कैसे गुणा करना है कि गुणा करेंगे आप 2 की पहले 10 में गुणा करेंगे, ठीक है। 2 की गुणा 10 में करेंगे तो 2 गुणा 10, और फिर 2 की गुणा आप करेंगे किसमें, 2 में, तो कितना आएगा, यहां पर प्लस है तो प्लस है आपको लगा देना है, 2 दुनी 4, है ना। 2 की गुणा 2 में तो 10 दुनी 20 और 2 दुनी 4, तो मतलब आपका आंसर आया 24। तो इस तरीके से आप पहाड़े को बना सकते हैं, ठीक है। 40 किसने लिखा है, 40 तो नहीं आएगा आंसर, हाँ 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24, हाँ। तो
ऐसे आपको करना है, हमने देखो यहाँ पर दो 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 उसमें डिवाइड किया था, दो नंबर में इसको डिवाइड किया 10 12 को, एक 10 और एक 2। फिर आपको क्या करना है, इस 2 की गुणा करना है किसमें, 10 में, है ना। 2 की गुणा करना है 10 में 20, और 2 की गुणा करना है 4 में, 2 की गुणा करना है 2 में 4, और दोनों को फिर जोड़ देना, ठीक है। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 24 आ जाता है। तो इस तरीके से आप पहाड़े को बना सकते हैं। समझ में आया ये चीज कि कैसे बनाना है। देखो एक और मैं आपको दिखाता हूं कि 15 गुणा 3, कि आपको 15 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप कैसे बना सकते हैं। 15 को आप दो नंबर में डिवाइड करेंगे, पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 5, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर की मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, 10 की गुणा करना है 3 में, 3 की गुणा 10 में करेंगे तो 30, ठीक है, और 3 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना, 15। 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 15। तो अभी क्या कर देना है आपको, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, 30 और 15 कितना हो जाता है, 30 और 15 हो जाता है 45, ठीक है। अभी समझ में आया सबको कि कैसे हम पहाड़े को बना सकते हैं। समझ में आया बेटा सबको, यस लिखेंगे अगर सभी को समझ में आया है तो, ठीक है। तो अभी यहां पर हम क्लास को खत्म करते हैं, क्लास खत्म करने का टाइम हो गया है। अगर किसी का बच्चों का डाउट है तो वो क्लास में रुकेंगे और अपने डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी उसको समझ में नहीं आया है, वो क्लास में रुकेंगे और अपने डाउट को पूछ लेंगे। जिसको समझ में आ गया है, जिसका कोई भी डाउट नहीं है, वो क्लास को लेफ्ट कर सकता है, छोड़ सकता है।